आज हम बनाएंगे फ्राइड राइस। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे गाजर जुलियन साइज में कटा हुआ। गाजर को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर हम डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक। नमक का गाजर के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे और इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारे जो गाजर है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। फिर गाजर को एक प्लेट में सेट कर देंगे। फिर उसे कढ़ाई में डालेंगे कटा हुआ बीन्स। बीन्स को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक। नमक का बीन्स के साथ बहुत अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा जो बीन्स है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। फिर बीन्स को एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। बाद हम इसमें डालेंगे पनीर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। पनीर शैलो फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के मुताबिक। नमक और पनीर को सबको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। पनीर को हम ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे। अब पनीर को हम एक प्लेट में उठा लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे अब घी। तेल के ख्याल रखते हुए मैंने यहाँ घी और तेल मिला के बनाए हैं। अगर कोई चाहते हैं तो फिर वो पूरी घी से भी बना सकते हैं। कढ़ाई में डालेंगे अब दालचीनी इलायची और लौंग। मसाला को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे उबाला हुआ चावल। चावल को मैंने पहले से ही पका के रखे थे। मैंने ज्यादा नहीं पकाए, बस 1/3 पकाए हैं। चावल को घी के साथ बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। फिर कढ़ाई में हम डालेंगे फ्राइड किया हुआ बीन्स, फ्राइड किया हुआ गाजर, फ्राइड किया हुआ पनीर, नमक स्वाद के मुताबिक, काजू किसमिस। काजू किसमिस को 15 मिनट पहले मैंने नॉर्मल पानी में भिगो के रखा था। सब्जी को बहुत अच्छे से हम चावल के साथ मिला लेंगे। हमने बहुत अच्छे से मिला लिया है। फिर हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। चावल को तब तक पकाएंगे जब तक ये चीनी गल ना जाए। देखिए हमारा जो फ्राइड राइस है ये बनके तैयार है। फिर हम इसमें डालेंगे रोज वाटर। रोज वाटर को बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। हमने यह रोज वाटर लिया है सिर्फ स्मेल के लिए। फ्राइड राइस में अगर रोज वाटर डाला जाता है तो फिर उसका खुशबू बहुत अच्छा सा आता है, तो इसीलिए हम डाले हैं। देखिए हमारा जो फ्राइड राइस है ये बनके बिल्कुल तैयार है। फ्राइड राइस को आप पनीर आलू दम चिकन मटन किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।